वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो हम लोग सीखते हैं स्क्वायर, पेंटागोन एंड हेक्सागोन किस प्रकार बनाएंगे। तो क्वेश्चंस गिवेन है, ड्रॉ द स्क्वायर, पेंटागोन एंड हेक्सागोन विच रेगुलर साइड इज 30 mm लॉन्ग। एक हम लोग स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पेंटागोन बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद हेक्सागोन बनाना सीखेंगे। उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 30 mm का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसमें से दो पॉइंट मेरा डेवलप हुआ, एक पॉइंट ये है फिर एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट का नेमिंग कर लेते हैं हम लोग ए स्मॉल लेटर में, फिर बी। ठीक है, ए और बी के बीच में, ए और बी का साइज कितना है, 30 mm, ए एंड बी का डिस्टेंस 30 mm है। ठीक है, ए और बी के मिडिल पॉइंट में एक और पॉइंट फाइंड होगा, फाइंड करेंगे, लोकेट करेंगे उसको। ए और बी 30 mm है तो ये मिडिल पॉइंट 15 mm पे होगा। ठीक है, उस मिडिल पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, अब रैंडमली कोई डायमेंशन नहीं इनका। ठीक है, फिर बी से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, रैंडमली कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए और बी चाप कंपास से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को मेजर करेंगे। ठीक है, ए और बी को मेजर करेंगे कंपास से, क्या करेंगे ए और बी को मेजर करेंगे कंपास से, जितना भी होगा सेंटर ए और बी को मेजर करेंगे और कंपास को रखेंगे बी पर, बी पर रख कर ए को ए बी को मेजर करेंगे वो 30 mm होगा, फिर बी पर कंपास को रखेंगे और बी से वर्टिकल लाइन को काटेंगे तो इक्वल होगा, ये यहाँ पर कटेगा इस, तो पॉइंट मेरा इस जगह पर डेवलप होगा और उस पॉइंट ए से उस पॉइंट तक मिला देंगे लाइन। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी से कंपास से तो मेजर किए हुए थे 30 mm का था, तो ए से बी कंपास में माप लिए और उसके बाद सेंटर बी को मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे ए से इस पॉइंट तक, ए से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम लोग ए से इस पॉइंट तक, ए और बी को, ए एंड बी को मेजर करेंगे सबसे पहले, बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, आर्क ड्रॉ कर लिए, उसके बाद एक पॉइंट मेरा डेवलप हुआ, दो पॉइंट डेवलप हुआ, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये सेंटर है। ठीक है, और इस दो पॉइंट के बीच में एक और पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो इसका नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, सेंटर वन, सेंटर टू और सेंटर थ्री। अब हम लोग को बनाना क्या है, इतना प्रोसेस हम लोग सब चीज में करेंगे, स्क्वायर में भी करेंगे, पेंटागोन में भी करेंगे, हेक्सागोन में भी करेंगे, तो हम लोगों को बनाना क्या है, तो हम लोग तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सेंटर वन, सेंटर वन से अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो वो बनेगा मेरा स्क्वायर। ठीक है, फिर सेंटर टू से हम लोग बनाना चाहेंगे तो वो बनेगा मेरा पेंटागोन, फिर सेंटर थ्री से बनाना चाहेंगे तो वो बनेगा मेरा
हेक्सागोन, ठीक है। तो हम लोगों को बनाना क्या है? तो सबसे पहले हम लोगों हमको बनाना है हमको स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हमको स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाना है तो हमको सेंटर कौन सा यूज करना पड़ेगा? सेंटर वन, ठीक है। तो सेंटर वन से, और सेंटर वन से ए को मेजर करेंगे कंपास से, यानी तो सेंटर वन से बी को भी मेजर कर सकते हैं। सेंटर वन से ए को मेजर करेंगे तो सेंटर वन से ए रेडियस को लेकर सेंटर वन से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेंटर वन से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, रेडियस मेरा क्या होगा? सेंटर वन से ए को लेकर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सर्किल ड्रॉ कर लिए तो यहाँ पर मेरा पॉइंट, अब हमको क्या करना है? पॉइंट को फाइंड करना है, स्क्वायर को, स्क्वायर के पॉइंट को। तो कंपास से क्या करेंगे? ए से बी मेजर करेंगे। कंपास से क्या करेंगे? ए से बी मेजर करके ए, फिर बी से एक लाइन काटेंगे, एक लाइन काटेंगे, वो मेरा हो गया क्या? सी। स्क्वायर का दूसरा तीसरा पॉइंट क्या हो गया मेरा? सी। फिर सी से कंपास से मेजर, कंपास से काटेंगे इसको, ए से बी मेजर करके सी काटे, फिर सी से काटेंगे, वो मेरा पॉइंट डेवलप होगा यहाँ पे। इसका नेमिंग दे देंगे हम लोग डी, ठीक है। स्क्वायर के सभी पॉइंट्स फाइंड हो गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? लाइन को मिला देते हैं, यहाँ से लाइन को मिला दिया यहाँ पे, ए से बी, ठीक है, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए, ठीक है। ये मेरा स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो अब हम लोग बनाएंगे पेंटागोन। किस प्रकार पेंटागोन को बनाएंगे? और ये स्क्वायर का साइड है, साइड हम लोग दिखा दे रहे हैं। ये स्क्वायर का साइड है, फोर्टी एम एम, सॉरी, स्क्वायर का साइड हम लोग लिए हैं 30 mm। तो डायमेंशन को दिखा देंगे यहाँ से, तो हम लोग स्क्वायर के डायमेंशन को दिखा दिए। तो अब हम लोग बनाएंगे पेंटागोन। पेंटागोन बनाना हो तो सेंटर का कौन सा सेंटर यूज करेंगे? सेंटर टू। पेंटागोन बनाना हो तो सेंटर कौन सा यूज करना है हम लोगों को? सेंटर टू, बाकी सेंटर टू। लेकिन प्रोसेस सेम कहाँ तक करना है हम लोगों को? प्रोसेस हम लोगों को यहाँ तक सेम करना है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सेम करना है। तो हम लोग सर्क्यूल जो बनाए थे स्क्वायर के लिए सेंटर वन का यूज किए थे, लेकिन पेंटागोन अगर जब बनाएंगे तो हम लोग रेडियस कौन सा यूज करेंगे? सेंटर टू से ए। और स्क्वायर का रेडियस, स्क्वायर बनाने के लिए सेंटर का इस रेडियस का कौन सा यूज किए थे सर्किल बनाने के लिए? सेंटर वन से ए। लेकिन पेंटागोन बनाना हो तो हम लोगों को सेंटर यूज करना है सी टू, और रेडियस लेना है सर्किल बनाने के लिए सी टू से ए, तब हम लोग को क्या, हम लोग का एक पेंटागोन बन जाएगा। तो प्रोसेस यहाँ तक सेम करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग पेंटागोन बना रहे हैं तो इसमें से रेडियस का यूज करना है सी टू से ए, सेंटर टू से ए, ठीक है। तो सेंटर टू से ए रेडियस का यूज करके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सर्किल ड्रॉ कर लिए सेंटर टू से ए को रेडियस मान के। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कंपास से मेजर करेंगे, उसी प्रकार स्क्वायर में जैसे मेजर किए थे कंपास से, अब मेजर करेंगे ए से बी, वही डिस्टेंस से हम लोग काट देंगे यहाँ पे, वही डिस्टेंस को लेकर इस बी से एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, फिर वही डिस्टेंस को लेकर, सॉरी एक मिनट, तो एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, फिर उसी डिस्टेंस को लेकर इस पॉइंट से एक और पॉइंट काट देंगे सर्किल पे, एक पॉइंट ये हो जाएगा, फिर इस पॉइंट से ए से जो बी से मेजर किए थे वही डिस्टेंस को लेकर एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट में अब नेमिंग कर ले रहे हैं हम लोग,
ए बी सी डी और ई। ठीक है, पेंटागन के पांचों पॉइंट्स मेरा फाइंड हो गया है। अब लाइन को क्या करते हैं, मिला दे रहे हैं। तो यहाँ से ए से बी लाइन को मिला दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बी से सी लाइन को मिलाएंगे। ठीक है, फिर सी से डी लाइन को मिलाएंगे। ठीक है, डी से ई लाइन को मिलाएंगे। ठीक है, फिर ई से ए लाइन को मिलाएंगे। तो इस प्रकार मेरा पेंटागोन बन गया। ठीक है, तो पेंटागोन में दो साइड के बीच का एंगल कितना होता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पेंटागोन में दो साइड के बीच का एंगल कितना होता है बताइए, तो वो पता होना चाहिए। कितना होता है वो, 108 डिग्री का होता है, 108 डिग्री का। तो ये सब सिंपल सब चीज़ें हैं, ये सब याद होना चाहिए। 108 डिग्री का होता है वो, एक सभी साइड से 108 डिग्री का होंगे। ठीक है, तो इब में पेंटागोन मेरा बन गया। अब हम लोग बनाएंगे, अब पेंटागोन बन गया मेरा। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे हेक्सागोन। ठीक है, हेक्सागोन बनाएंगे। अब हेक्सागोन बनाने के लिए हम लोगों को सेंटर का कौन सा यूज करना पड़ेगा, सेंटर थ्री का यूज करना पड़ेगा। और इसमें सर्किल जो ड्रॉ करेंगे, कहाँ से रेडियस लेंगे इसका, सेंटर थ्री से एक को रेडियस लेकर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, सेंटर थ्री से ए। ठीक है, तो उसी प्रकार प्रोसेस कहाँ तक सेम करेंगे, प्रोसेस हम लोग प्रोसेस सेम करेंगे यहाँ तक, प्रोसेस यहाँ तक सेम करेंगे, ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। लेकिन हम लोग हमको बनाना है यहाँ पे क्या, हेक्सागोन, हेक्सागोन बनाना है। तो कौन सा सेंटर यूज करना है इसमें से हमको, सेंटर थ्री। ठीक है, तो सेंटर थ्री रेडियस कौन सा लेना है, सेंटर थ्री से ए, सेंटर थ्री से ए रेडियस लेकर हमको सेंटर थ्री से एक सर्किल ड्रॉ करनी है। ओके, ठीक है, तो सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, सेंटर थ्री और सेंटर थ्री से ए को रेडियस लेकर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ किए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पॉइंट मेजर करेंगे, हम लोग पॉइंट ए और बी कंपास से मेजर कर लेंगे। ठीक है, फिर उसी उसी डिस्टेंस से ए से बी मेजर करके फिर बी से एक पॉइंट और सर्किल पर काटेंगे, फिर इस पॉइंट से एक और सर्किल पर काटेंगे, वही डिस्टेंस ए से बी, फिर इस पॉइंट से एक और पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर इस पॉइंट से एक और पॉइंट फाइंड करेंगे। तो हेक्सागोन के टोटल 6 पॉइंट फाइंड हो गए। आर्क ड्रॉ करेंगे बी से, एक यहाँ आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे बीस, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट का आर्क ड्रॉ करेंगे। टोटल हमारे पॉइंट ड्रॉ हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन को मिलाएंगे यहाँ पे, ए से बी। ठीक है, और बी से ये पॉइंट नेमिंग कर दे रहे सबसे पहले। ठीक है, तो सी, ये सी हो गए, ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन को मिला दे रहे हैं यहाँ से, ए से बी लाइन को मिला दिए, बी से सी लाइन को मिला दिए, और उसके बाद सी से डी लाइन को मिला देंगे। ठीक है, डी से ई लाइन को मिला दिए यहाँ पे। ठीक है, ई से एफ को लाइन को मिला दिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ से ए लाइन को मिला देंगे। ठीक है, तो मेरे लाइन सभी मिल गया। इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे हेक्सागोन। ओके, एक लाइन मिट गया यहाँ पे, तो ड्रॉ कर दे रहे, ये मिट गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ड्रॉ किए होंगे ये लाइन को, हमसे मिट गया था। तो ठीक है, तो हेक्सागोन मेरा बन गया। इसी प्रकार हम लोग हेक्सागोन को बनाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।
अगर इसमें कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और क्या चीज़ का वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हैं, तो उस वीडियो के लेक्चर हम उस लेक्चर का वीडियो बना के डाल देंगे। ओके, थैंक यू।